नंदनगढ़ पुलिस थाना अंतर्गत केकनाथ देने की वजह से गंभीर जख्मी करने का मामला सामने आया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, वही दो आरोपी अब भी फरार है और पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। फर्ज कीजिए कि आप किसी बेकर के मालिक है और एक ग्राहक आपके पास आता है और आपसे केक मांगता है और कुछ कारणों की वजह से आप उसे केक नहीं दे पाते हैं, जिससे गुस्साए ग्राहक आप पर चाकू से वार कर दे, तो घबराए नहीं, आपके साथ ऐसा निश्चित ही नहीं होगा। पर ऐसा ही एक मामला नंदनगढ़ पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया है। मेरी जानकारी के अनुसार आरोपी रमजान और भूकना, कालू और कसाई कुरेशी और जबार, ये तीनों फिरियादी नौशाद खान निशीत खान की बेकरी में गए थे और उन्होंने वहाँ केक देने को कहा। लॉकडाउन होने की वजह से फिरियादी ने मना कर दिया, जिसके बाद आरोपियों को गुस्सा गया और गुस्से में आरोपी ने फिरियादी के साथ काली गलौज की और आरोपी रमजान और भुगना ने चाकू से फिरियादी पर वार कर उसे गंभीर जख्मी किया। इस संबंध में पुलिस निरीक्षक शुभांगी देशमुख ने अधिक जानकारी साझा की। फिरियादी आहे नौशाद खान रशीद खान, त्यांचं आदिवासी लेआउटमध्ये बेकरीचं दुकान आहे। त्यांच्याकडे रेकॉर्डवरचा नोंद हुडकेश्वरचा, पोलीस ठाणे हुडकेश्वरचा, पडिकार आरोपी शेख रमजान आणि त्याच्यासोबत कालू कुरेशी आणि जब्बार असे तीन लोक त्या फिर्यादीच्या घरी पोहोचले, केक दे अशी मागणी केली। पण फिर्यादीने सांगितलं त्यांना की बा लॉकडाऊन असल्यामुळे माझ्याकडे केक तर काही तयार नाही आहे। त्याचा राग येऊन शेख रमजान यांनी धारदार शस्त्राने त्याच्या उजव्या हातावर गंभीर दुखापत केली आणि तिथनं ते ट्रिपल सीट त्यांच्या गाडीवर पळून गेले। हो, त्याच्यावर अनेक प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत आणि तो भुकेश्वर हद्दीतला तडीपार करण्यात आलेला आहे। शेख रमजान हा अटक केलेला आहे, त्याच्या दोन साथीदारांचा पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए फिरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है और पुलिस द्वारा इस संबंध में आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।